हेलो फ्रेंड्स दिस इज अपर्णा एंड वेलकम टू योर ओन चैनल एबीसी अबाउट इंग्लिश सो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर विजिबल है आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नई स्टोरी ये स्टोरी की सीरीज की 11th स्टोरी है द गोल्डन एग चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी देखिए स्टोरीज के थ्रू इंग्लिश सीखना काफी इजी होता है इसीलिए हम लेकर आए हैं आपके लिए ये सीरीज इससे आप रीडिंग स्किल भी आपकी अच्छी होगी साथ साथ में आपके जो वोकेबलरीज हैं वो भी बढ़ेंगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं सो देखिए द गोल्डन एग गोल्डन का मतलब होता है सुनहरा यानी कि सोने का और एग यानी कि होता है अंडा वंस अपॉन अ टाइम एक समय की बात है अ फार्मर अ गूस दैट लेड वन गोल्डन एग एवरी डे फार्मर का मतलब होता है किसान गूज यानी कि बतख लेड ले का सेकेंड फॉर्म है जिसका मतलब होता है अंडे देना मैं बता चुकी हूँ सुनहरा अंडा सोने का अंडा तो एक फॉर्मर जो है उसके पास बतख था जो कि रोज एक डेली एक सुनहरा अंडा यानी कि सोने का अंडा दिया करता था द एग प्रोवाइडेड इनफ मनी फॉर द फार्मर एंड his wife to support their daily needs. Provided, provide की second form है जिसका मतलब होता है प्रदान करना Enough का मतलब है पर्याप्त Wife कहते हैं पत्नी को और support का मतलब होता है सहयोग Needs यानी कि जरूरतें या आवश्यकताएं तो द एग प्रोवाइडेड इनफ मनी एक उन्हें पर्याप्त जो पैसा था मनी थी वो प्रदान कर दिया करता था फॉर द फार्मर और एंड हिज वाइफ उसकी पत्नी और वो किसान के लिए टू सपोर्ट देअर डेली नीड्स जो रोजमर्रा की जरूरतें होती हैं, उनके सहयोग के लिए जो एग था वो प्रदान कर दिया करता था उन्हें पर्याप्त पैसा द फार्मर एंड हिज वाइफ कंटिन्यूड टू बी हैपी फॉर अग ट्यूड कंटिन्यू की सेकेंड फॉर्म है जिसका मतलब होता है जारी रखना द फार्मर्स एंड हिज वाइफ कंटिन्यूड किसान और उसकी पत्नी ने जारी रखा टू बी हैप्पी मतलब वो खुश रहे बहुत लंबे समय तक बट वन डे पर एक दिन क्या हुआ द फार्मर थॉट टू हिमसेल्फ उसने खुद से सोचा वाय शुड वी टेक just one egg a day why का मतलब होता है क्यों टेक यानी लेना why should we take हम क्यों लेते हैं just one egg यानी एक ही एग एक ही अंडा एक दिन में why can't we take them all at once and make a lot of money why माने क्यों why can't we take क्यों हम नहीं ले सकते एट वन्स यानी एक ही बार में सारे अंडे एंड मेक अ लॉट ऑफ मनी और हम बहुत सारे पैसे बना लेते हैं The farmer told his wife his idea. Told tell की second फॉर्म है जिसका मतलब होता है बताना Idea यानी कि विचार जो फार्मर के मन में किसान के मन में idea आया था उसने अपनी पत्नी को बताया एन शी foolishly agreed. और उसने क्या करा मूर्खतापूर्ण फुलिशली का मतलब है मूर्खतापूर्ण मूर्खतापूर्ण तरीके से वो सहमत हो गई एग्री हो गई एग्रीड एग्री की सेकेंड फॉर्म है then the next day next का मतलब होता है अगला दिन ठीक है तो अब नेक्स्ट का मतलब होता है अगला then the next day अगले दिन as the goose laid its golden egg जैसे ही बत्तख ने अंडे दिए उसके गोल्डन मतलब सुनहरे अंडे दिए the farmer was quick with a sharp knife शार्प का मतलब होता है नुकीला नाइफ यानी चाकू तो वो अपने जो नुकीले चाकू के साथ बहुत ही झटपट था मतलब तैयार था वो बिल्कुल क्विक था ही उसने बतक को मार दिया ठीक है kill की second form है, जिसका मतलब होता है मारना एंड कट इट्स स्टमक ओपन उसने जो पेट था उसका स्टमक था स्टमक का मतलब होता है पेट तो वो काट दिया और खोल दिया इन द होप्स ऑफ फाइंडिंग ऑल इट्स गोल्डन एग आशा मतलब होप्स फाइंडिंग यानी कि पाना तो इस आशा में कि उसे सारे के सारे गोल्डन एग्स यानी सुनहरे अंडे मिल जाएंगे पालेगा वो बट एज ही ओपन द स्टमक जैसे ही उसने उसका पेट जो है खोला द ओनली थिंग ही फाउंड फाउंड फाइंड की सेकेंड फॉर्म है ठीक है तो उसका मतलब होता है मिलना या मिला ठीक है तो उसे क्या मिलता है द ओनली थिंग ही फाउंड वॉज गट्स एंड ब्लड गट्स का मतलब होता है आत, आते और ब्लड का मतलब होता है रक्त या खून तो उसे आतों और जो ब्लड है खून है उसके अलावा कुछ भी नहीं मिला क्विकली रियलाइज हिज फुलिश मिस्टेक क्विकली यानी जल्द ही रिलाइज रिलाइज की सेकेंड फॉर्म है जिसका मतलब होता है एहसास होना पुलिश यानी मूर्ख, पूर्ण मिस्टेक का मतलब गलती वो उसने रियलाइज कर ली है ना तो किसान को जल्द ही एहसास हो गया उस अप, अपनी जो मूर्खतापूर्ण गलती का एंड प्रोसीडेड टू ओवर हिज लॉस्ट रिसोर्स प्रोसीडेड प्रोसीड का सेकेंड फॉर्म है जिसका मतलब होता है आगे बढ़ना क्राई ओवर यानी किसी चीज पर रोना लॉस्ट का मतलब होता है खोया हुआ और रिसोर्स का यानी संसाधन तो अपने खोए हुए संसाधन पर वो रोया एज द डेज वैसे ही दिन बीते दिज वाइफर एंड है, यानी होना वो गरीब होते ही होते चले गए और गरीब से गरीब होते चले गए जैसे ही दिन बीते वो गरीब से गरीब होते चले गए कौन फार्मर एंड हिज वाइफ ठीक है किसान और उसकी पत्नी how zinged zinged zing की सेकंड फॉर्म है जिसका मतलब होता है बदकिस्मति तो वो कितने बदकिस्मत तो वो कितने बदकिस्मत थे एंड हाउ फुलिश दे वर और कितने मूर्ख थे तो ये हमारी स्टोरी एंड होती है इसका मोरल है नेवर एक्ट बिफोर यू थिंक कभी भी बिना सोचे समझे एक्ट ना कीजिए कोई भी बिना सोचे समझे काम नहीं करना चाहिए ये इसकी मोरल ऑफ द स्टोरी है तो चलिए क्विक रिकॉल देख लेते हैं इसमें क्या हुआ एक फार्मर था किसान था उसकी पत्नी थी गोल्डन एग्स देने वाली एक गूस थी इनके पास और वो हर रोज एक गोल्डन यानी सुनहरा अंडा दिया करती थी जिसे बेच कर इनका घर परिवार सब चलता था फार्मर के मन में यानी किसान के मन में आता है कि वो क्यों ना सारे के सारे अंडे एक साथ ही निकाल ले और वो उसे काट देता है चाकू से पर जो उसे मिलता है वो सोने के अंडे नहीं होते वो सिर्फ उसकी आते और ब्लड जो एंड ब्लड था बस वही वही मिलता है तो उसे बहुत जल्दी अपनी मिस्टेक रियलाइज हो जाती है उसे एहसास हो जाता है कि उसने क्या गलती करी है पर उसके पास पछताने के अलावा कोई और चारा नहीं रह जाता और इनकी जो फैमिली रहती है वो गरीब और और गरीब होती चली जाती है तो ये कितने ज्यादा मूर्ख थे और इन्होंने बिना सोचे समझे बस एक्ट किया है इन्होंने काम किय, इन्होंने काम किया, बस सोचा नहीं उस बारे में कि क्या होगा उसके बाद अगर इनमें से कुछ भी नहीं निकला तो, तो काफी ज्यादा बदकिस्मत भी थे और मूर्ख थे तो मोरल ऑफ द स्टोरी तो यही कहती है कि बिना सोचे समझे कोई भी काम नहीं करना चाहिए नेवर एक्ट बिफोर यू थिंक ठीक है So, आज के लिए इतना ही। so, इसी मोरल के साथ आज की ये स्टोरी यहीं पर फिनिश होती है आई होप आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई हुई होगी और इसमें काफी ज्यादा जो वोकेबरी थी या कुछ नए वर्ड्स थे वो आपने जाने होंगे पढ़े होंगे ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन गुड बाय सी यू सो हाउ वॉज इट यू लाइक इट राइट Yippee. Comment us if you have any doubt. Don't forget to like, share, and subscribe to our channel. We will meet in the next video. Goodbye.